प्रदेश में चक्का जाम का आवाहन गोरखपुर में फ्लॉप रहा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने ट्रकों के लिए एक नई नीति लागू किया है, जिसमें ट्रक को एक दिन 200 किलोमीटर चलना होगा, जिसमें ट्रक संचालक को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए ट्रक एसोसिएशन के अटेवा संगठन ने देश में चक्का जाम का आह्वान किया था। वहीं इस संबंध में गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके तिवारी ने बताया कि यह चक्का जाम अटेवा संगठन पूरे देश में किया है, लेकिन गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन चक्का जाम में सांकेतिक रूप से ही शामिल था। जनपद में कहीं पर भी चक्का जाम नहीं किया गया। वहीं इस संबंध में एसपी ट्रैफिक ने कहा कि गोरखपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा पहले ही अवगत करा दिया गया था कि जनपद में चक्का जाम नहीं किया जाएगा, जिसको देखते हुए पूरे दिन जनपद में आवागमन सामान्य रहा तथा गाड़ियां सुचारू रूप से अपने गंतव्य को आती जाती नजर आईं। कहीं पर भी चक्का जाम या समस्या की सूचना प्राप्त नहीं हुई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष आरके तिवारी तथा एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा, राम कुमार तिवारी है, आर के तिवारी, मैं गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। इस समय स्थिति सामान्य है। हम लोगों की सांकेतिक हड़ताल थी, सांकेतिक बंदी थी, हड़ताल नहीं थी, तो वो हम लोगों ने सांकेतिक बंदी तो कर ही रखा था। अभी जो है क्या है कि अब लगन का समय आ रहा है, आवश्यक वस्तुएँ बाज़ार में हमें पहुँचानी है। फिर भी हम जो है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पे हम उनका समर्थन कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ही लड़ रही है। जैसा उनका आदेश होगा उसका पालन हम लोग करते रहेंगे। आज सर क्या स्थिति है? आज किसी सामान्य है, कहीं पर कोई बंदी? आज कोई बंदी नहीं, हम लोग पूरा अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज हमारे यहाँ गोरखपुर शहर में किसी भी तरह का कोई चक्का जाम नहीं हुआ, और यहाँ के ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से ये पूरा भरोसा दिलाया गया था कि कोई चक्का जाम नहीं होगा। उसी के क्रम में किसी भी तरह का कोई चक्का जाम नहीं हुआ, और सामान्य आवागमन जिस तरह से प्रतिदिन होता था उसी तरह से आज भी हुआ है। कहीं जाम की नहीं, किसी तरह की कोई जाम की स्थिति नहीं थी, बिल्कुल सामान्य दिनों की तरह आज यातायात संचालित हुआ है।